मुरब्बा मालूम करने का है। एक आदत देते हैं और तुम्हें पूछते हैं इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करो, तो बनता है। तो दिए गए आदत का जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक ऐसा अज्जाए जरबी का तरीका है और दूसरा ऐसा तकसीमी तरीका है। ये दो तरीकों से क्या करते हैं, दिए गए आदत का जज़रुल मुरब्बा मालूम करते हैं। तो इसके लिए क्या है, कामिल मुरब्बा अदा करना हो तो उसके मिसाल एक कम यहाँ पर 719 है। 729 का क्या करने का है, हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का है। यानी 729 क्या है, किसका मुरब्बा है उसे मालूम करने का है। 729 क्या है, किसका मुरब्बा है उसे देखने का है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसे अज्जाए जरबी के तरीके से हल करता हूँ। 729 का जज़रुल मुरब्बा किस तरीके से मालूम करते हैं, अज्जाए जरबी के तरीके से। तो यहाँ पर 729 है। अभी 729 पर हमें गौर करने के बाद में हमें क्या मालूम होता है, 729 जो है दो से तकसीम नहीं होता। क्यों नहीं तकसीम होता? अगर कौन सा भी अदद दो से तकसीम होने का रहा तो उसके इकाई के मुकाम पर क्या आना, सिफर आना, दो आना, चार आना, छः आना, आठ आना। तो ये पांच हिंसों में से अगर कोई भी एक हिंसा है समझो, तो आदत को हम क्या कर सकते हैं, इकाई के मुकाम पर इस तरह से आयता को आदत को दो से तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने 729 में जो है इकाई के मुकाम पर सिफर भी नहीं है, दो भी नहीं है, चार भी नहीं है, छः भी नहीं है, आठ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, 729 को हमें दो से तकसीम नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या सोचना, अगला दर्ज देना तीसरा। तो 729 को हमें तीन से तकसीम कर सकते हैं क्या, तो उसे भी सोचने का तरीका है। तो पूरा तकसीम करके देखो, शाम को बोलना नहीं कि 729 क्या है, तीन से तकसीम होता है करो। तो कौन सा भी अदद देखने तीन से तकसीम होता है कि नहीं देखने के रहा, तो क्या करना, दिए गए अदद के हिंसों को जमा करना। अभी 729 जैसे हमारे पास 729 तीन से तकसीम होता है क्या, अगर को पूछा तो क्या करने ले, 729 के तीन हिंसे हैं, वो तीनों हिंसों को क्या करने ले, जमा करने ले। कैसा जमा करने ले, 7 + 2 + 9, 7 में 2 मिलाए तो 9, 9 में 2 मिलाए तो 18, 18 जो है तीन के पहाड़े में आता है, तीन के टेबल में 18 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 729 तीन से पूरा पूरा तकसीम होता है। तो अभी हमें क्या करना है, 729 को तीन से तकसीम करने का शुरू करना है। 3 × 2 = 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, तो 1 = 12 हुआ, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। तो एक मरतबा तकसीम हुआ। उसके बाद में 243 है, 243 तीन से तकसीम होता है नहीं देखने का, तो 243 के तीनों हिंसों को जमा करना और वो तीन के पहाड़े में आते हुए देखना, 2 में 4 मिलाए तो 6, 6 में 3 मिलाए तो 9। तो इसका मजमा क्या आ रहा है, 9 आ रहे हैं, तो 9 जो है तीन के पहाड़े में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 243 जो है तीन से पूरा पूरा तकसीम होता है, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। उसके बाद में क्या, 81 आया, तो 81 तीन से तकसीम होता है क्या, होता है। कैसा मालूम करें, 8 में 1 मिलाए तो 9 होता है, 9 क्या है, 3 के टेबल में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 81 तीन से तकसीम होता है, तो 3 से तकसीम करते हैं, 3 × 2 = 6, 8 में से 6 गए तो 2 बचे 21 हुआ है, 3 × 7 = 21, तो 27 तीन से तकसीम होता है क्या, होता है। कि बोले तो 2 और 7 मिलाए तो 9 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है। जैसे 3 से तकसीम करते हैं, 3 × 9 = 27 और 9 क्या है, 3 से तकसीम होता है, हमारे सबको मालूम है बात, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो इसके पहले एक उसूल बोला था तुमने, मैं क्या उसूल बोला था, अगर दिए गए आदत का हमें जज़रुल मुरब्बा मालूम कर नहीं समझो, तो उस वक्त क्या करना, दो दो की जोड़ी बनाना, और दिए गए आदत का जज़रुल मुरब्बा मालूम कर नहीं तो क्या करना, 3 3 की जोड़ी बनाना और हर जोड़ी में से 1 बार लेना। तो अभी क्या करना, 3 3 के 2 जोड़े बनाना, 1 2 3 जोड़े बने, तो हर जोड़ी में से क्या करना, मैं 1 1 बार लेना, 3 × 9 = 27। तो क्या हमारा जवाब, 27 है। तो इसे फिर कैसा लिखना है, 729 का जज़रुल मुरब्बा क्या है, 27। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 27 को हमें दो मरतबा तरफ दे तो 729 आता है, समझे। तो ये क्या हुआ, अज्जाए जरबी के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना, समझा नहीं। अज्जाए जरबी के तरीके से किस तरह से जज़रुल मुरब्बा मालूम करते, ये तरीके से मालूम करते, समझा। तो अभी दिया हुआ आदत जो है कौन से आदत से तकसीम होता है ये मालूम करने का रहा था, मैं उसूल मालूम करना, 2 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 3 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 4 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 5 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 6 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 7 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 8 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 9 से तकसीम होने का उसूल अलग है, 10 से तकसीम होने का उसूल अलग है, फिर 11, 12 इसके भी उसूल है। कम से कम हमें 10 तक उसूल मालूम रहना, तब हमें क्या है, तकसीम करने में आसानी होती है, समझे।
या वादे देखने कौन सा जैसे तकसीम होता है ये मालूम करने के लिए छठी क्लास में ये है। तब ये जदत को क्या करते हैं, तकसीमी तरीके से क्या करता हूँ, जज़रुल मुरब्बा मालूम करते हैं इसका। तो तकसीमी तरीके से कैसा जज़रुल मुरब्बा मालूम करते हैं इसका, अब यहाँ 729 लिखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 729 के ग्रुप बनाना, हिस्से बनाना उसके, और वो भी हिस्से कहाँ से बनाना, दाएँ जानब से, सीधे तरफ से दो दो के हिस्से बनाना, 29 का एक ग्रुप बने और 7 का एक ग्रुप बने। तो 729 को क्या करें, दो हिस्सों में तकसीम करें, दो दो हिस्से ले और वो भी दाएँ जानब से सीधे तरफ से, तो 29 का एक ग्रुप बनाया, फिर एक हिस्सा बचा सो एक अलग ग्रुप बनाया। उसके बाद ये क्या करना, अभी 7 पर गौर करना हमें, 7 क्या है, काटी मुरब्बा है क्या ये, नहीं है, 7 मुरब्बा है, कौन से भी अदद को दो मरतबा ज़रब दे तो 7 नहीं आता, 7 कामिल मुरब्बा नहीं है। तो क्या सोचना है, 7 से छोटा कामिल मुरब्बा कौन सा है, सो वो देखना, 7 से छोटा कामिल मुरब्बा कौन है, 4 और 7 से बड़ा कामिल मुरब्बा कौन है, 9 है। तो हमें क्या है, किसके पर गौर करना है, 4 पर गौर करना, 4 कहना। तो 7 से छोटा कौन है, 4 है नहीं, तो 4 को कैसे लिखते हैं, 2 2 4 2 2 4 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। यहाँ पर जो 2 लिखे हैं उसमें क्या करना, 2 को लिख को जमा करना, 2 2 4। उसके बाद में अगला ग्रुप क्या है हमारा, 29 है, वो पूरा ग्रुप उतार को लेने का है, सिर्फ एक इंसान नहीं, 2 होता इसने, 9 होता इसने, पूरा ग्रुप क्या करना है हमें, 29 उतार को लेना। तो 3 के बाजू में क्या करना है, 29 लिखना है इस तरह से, समझे। तो ऐसा लिखने के बाद में अभी यहाँ पर 4 है और यहाँ 329 है, अभी 4 के बाजू में क्या लिखे, तो 329 आता है देखना, समझे। 4 के बाजू में अगर तुम्हें 1 लिखे समझो, तो उसे 1 से ज़रब देना, 1 1 की 1 1 4 4, तो 329 आता है क्या, नहीं आता। 4 के बाजू में 2 लिखे समझो, तो 2 से ज़रब देना, 2 2 4 2 4 8। 4 के बाजू में 3 लिखे समझो, 3 से ज़रब देना, 3 3 9 3 4 12, आ रहा है क्या, नहीं। 4 के बाजू में 4 लिखे समझो, 4 से ज़रब देना, 4 4 16 4 4 16 17 107 का होता है, 329 नहीं आता। 4 के बाजू में 5 लिखे हैं, तो 5 से ज़रब देना, 5 5 25 5 4 20 20 में जो मिला तो 22 225 होता है। 4 के बाजू में 6 लिखे समझो, तो 6 से ज़रब देना उसे, 6 6 36 6 4 24 24 27 207 का होता है, नहीं आता। फिर क्या करना है, 4 के बाजू में 7 लिखे, तो 7 से ज़रब देना, 7 7 49 49 के 9 हासिल के 4, 7 4 28 28 में 4 मिला तो 32। तो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, 4 के बाजू में क्या लिखना है, 7 लिखना। तो यहाँ पर जो हिंसा लिखते हैं वो हिंसा है ऊपर भी लिखना। फिर 47 को 7 से ज़रब देते कितना होता है, 329 होता है, 9 में से 9 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 3 गए तो 0। तो जब 0 आते हैं तो हमारा क्या होता है, तकसीम का लोग ख़त्म होता है। बाकी यहाँ पर हमें जो 7 लिखी नहीं, वो 7 को क्या करना है, यहाँ पर जमा करके लेना, 7 में 7 मिला तो 14, 14 का 4 हासिल का है, 4 में मिला तो 5, 54 नहीं। अभी ये आदत पर गौर करना, इसके ऊपर और इसके ऊपर गौर करना। तो यहाँ पर आने वाला आदत जो रहते नहीं, यहाँ पर आने वाला आदत जो रहते नहीं, वो आदत क्या रहता है, ऊपर की आदत का दुगना रहता है, समझे नहीं। तो यहाँ 27 है, तो 27 का डबल क्या है, 28 रहता है। अगर इस तरह से नहीं हुआ समझो, तो हमें क्या समझेगा, तकसीम करने में हमारे हाथ से कहाँ तो गलती भी होता है, समझ लेंगे, समझे। तो हमें जो तकसीम का अमल करेंगे सही है या गलत है से देखने के रहा, तो आखिर में किस तरह से तकसीम का अमल खत्म होने के बाद में यहाँ पर जो आदत आते नहीं, वो आदत क्या होना, ऊपर की आदत का दुगना यहाँ पर आना, तो हमें तकसीम का अमल करने से सही है को समझ लेंगे, समझे। तो इस तरीके से क्या है, दो तरीके हैं दिए गए आदत का जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हुआ, अज्जा ज़रबी का तरीका, और दूसरा क्या हुआ, तकसीमी तरीका, समझे। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें दिए गए आदत के जज़रुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं।